लखनऊ वाले जो हैं वो इकबाल की नस्बत गालिब को ज्यादा बड़ा शायर कहते हैं, बल्कि इकबाल को तो कुछ मानते ही नहीं है वो, इसकी क्या वजह है? लसानी तासुब है, अच्छा लखनऊ और लाहौर का एक मार्का भी चला था, नियाज़मंदाने लाहौर और लखनऊ, ये अदबी डिबेट चली थी। वो इकबाल ही उसका मौजूद थे, मतलब तो वो इकबाल को नहीं मानते थे, जी वो लसानी तासुब, क्योंकि लखनऊ वाले मुतासिब होते हैं और बहुत छोटे दिमाग के होते हैं, तो वो मसलक में भी मुतासिब हैं, अदब में भी मुतासिब तो हैं। छोटे से धारा गालिब कैसे समा जाता नहीं, वो तो गालिब का नाम इस्तेमाल करते हैं, गालिब तो समझ, मैं भी कहता हूँ गालिब इकबाल से बड़ा शायर है, ये नहीं है, गालिब इकबाल से बड़ा शायर है, ठीक है लेकिन ये कि इसमें इकबाल की बड़ाई का लिहाज है, सही मतलब आप इकबाल को, कई अजमतें ऐसी हैं जो गालिब को नहीं हासिल, इकबाल को हासिल इस्तेमाल हैं, को हासिल ये सब कह के बात करो तो जाहिर है अब इकबाल हर एक से बड़े थोड़ी हैं, बिल्कुल ऐसे लेकिन ये कि उनकी बड़ाई का इनकार क्यों करते हो, मतलब उर्दू अदब में इतना मुनफरद आदमी कोई नहीं है, तो इसका तो एतराफ़ करो। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गालिब को सूझ ही नहीं सकती थी, वो किसी बात इकबाल पे बात करें, वो जो सही मैंने शुरू में कहा ना कि तस्वीर भी बदल दी, आवाज़ भी बदल दी, मानी भी बदल दिए, लफ्ज़ भी बदल दिए, ये कोई मामूली आदमी कर सकता है? तस्वीर की रिवायत आप बदल के दिखाइए, आवाज़ों की रिवायत बदल के दिखाइए, इकबाल वो आदमी है कि उसने शायरी की रूह ही नहीं बदली, जिस्म भी बदल दिया, इतनी कुदरत रखने वाला तो गालिब नहीं था, गालिब के पास वो जहन नहीं था जो इकबाल के पास था, गालिब के पास वो दिल नहीं था जो इकबाल के पास था, बस फ़र्क यह है कि गालिब के पास फ़न इकबाल के मुकाबले में ज़्यादा था, तो फ़न ज़्यादा होने की वजह से वो इकबाल से बड़े शायर हैं, वरना मानी, मजामीन, एहसास, जज्बात और तखय्युल, तखय्युल मतलब तस्वीरें बनाने वाला, यानी शायर क्या होता है, एक बड़ा मुसव्विर, एक बड़ा मौसीकार बिल्कुल और एक बड़ा फ़लसफ़ी, तो इकबाल इन तीनों शर्तों को आखिरी दर्जे पे पूरी करते हैं। कभी आप सिर्फ कुलियात इकबाल को इस नज़र से पढ़ लीजिए कि मैं इसमें से एल्बम निकालूंगा, सही ऐसे आप अब तो उनकी, बड़े बन हाँ चुके हैं हाँ उनकी इमेजेस निकाल लीजिए और बताइए कि ये कहाँ हैं, मतलब इतनी मुनफरद इमेजेस हैं। तो किसका क्या प्लेटफॉर्म शायर मुसव्विर मौसीकार फलसफा फलसफी, तो कभी आप इकबाल की आवाज़ों को इकट्ठा कीजिए, तो उर्दू में किसी का सौतियाती निज़ाम इतना वसी और इतना गहराई और इतने शिकोह के साथ नहीं है जितना इकबाल के हैं, तो आप आवाज़ों का भी एक लाइब्रेरी बना सकते हैं इकबाल से, तस्वीरों का एक एल्बम बना सकते हैं और तसव्वुरात और मानी की भी पूरी एंथोलॉजी बना सकते हैं, तो ये सब गालिब से आप नहीं बना सकते। सही गालिब को ऐज ये है कि गालिब को ज़बान इकबाल से ज़्यादा आती थी और फ़न गालिब के पास ज़्यादा था, और दूसरे ये कि गालिब के पास गालिब बनने के लिए पहले का कोई नमूना मौजूद नहीं था, इकबाल के सामने गालिब था, गालिब के सामने कोई नहीं था, इस वजह से गालिब। गालिब जो है वो मीर का बड़ा तस्करा करते हैं, जो शेर है कि पहले आप भी कोई वे मीर मेरा था। जो मुद्दत दे में, हाँ जी कहते हैं तो पहले अगले वक्तों में कोई मीर नहीं मीर था, था। गालिब अपना ये नहीं, रिख्ता के तुम ही उस्ताद उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर नहीं था, तो सही है, मीर गालिब से भी बड़े हैं, मतलब मुझसे अगर कोई पूछे कि उर्दू का सबसे बड़ा शायर कौन है, तो मैं ये सवाल वो 100 मरतबा पूछेगा तो मेरा जवाब यही है कि मीर, मीर बहुत बड़े शायर हैं और बहुत ही बड़े, मतलब मीर फारसी के बड़े शायरों के बराबर के शायर हैं, हाफिज़ वगैरह के बराबर, तो जो गालिब और इकबाल नहीं है इनको हाफिज़ वगैरह के बराबर थोड़ी बिठाया जा सकता, मीर को बल्कि मैं कहता हूँ बाद मामलात में वो हाफिज़ से भी बड़ा है।